नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि यदि आप शांत स्वभाव के हो, यदि आप खुद हो के किसकी छेड़खानी नहीं करते हैं या किसको टारगेट नहीं करते हो या खुद हो के कमेंट्स नहीं करते हो, चुपचाप बैठते हो, तो लोग आपको टारगेट बनाते हैं। उसके बारे में क्या होता है कि आप आपके दोस्त में हो, आपका स्वभाव शांत है, चार पांच लोग बैठे हुए हैं, जो ज़्यादा चिक 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 करते रहता है, ज़्यादा बक 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 करते रहता है, तो उसको कोई कुछ बोलता नहीं क्योंकि मालूम है कि यहां से उल्टा जवाब आ जाएगा, अपने ऊपर वो रिएक्ट करेगा, तो फिर उसको कोई बोलेगा नहीं। क्या यदि आप शांत स्वभाव के हैं, लोगों को मालूम है कि आप कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, आप कुछ बोलेंगे नहीं, तो लोग आपकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, आप एक टारगेट बन जाओगे, सॉफ्ट टारगेट जिसको बोलते हैं। सब लोग आपके ऊपर ही कुछ ना कुछ कॉमेंट्स पास करते जाएंगे। यदि आपकी गलती हुई है तो वो गलती को लेकर कुछ ना कुछ बोलेंगे कि तू बायला है क्या, फिर को अक्ल नहीं गया, फिर कुछ तो भी ऐसा टारगेट बनाएंगे कि जहां से रिएक्शन आती नहीं। क्या होता है कि ऐसे समय अपने को दुख होता है, फिर हम ऐसे कंपनी में जाना टाल देते हैं। अच्छा, फिर ये कंपनी में जाना टाल दोगे तो और कहीं जाओगे तो भी वहीं भी यही होने वाला है क्योंकि लोग तो ऐसे ही है। इस समय अपने ऊपर हंसना सीखो, अपनी गलती हो गई तो सॉरी बोलना चालू करो। यदि आपकी गलती है, कोई आपको टारगेट कर रहा है, बोलना सॉरी मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी। बाकी कोई बोलने की जरूरत नहीं है, ताकि फिर लोग आपकी हंसी मजाक कम करेंगे, नहीं उड़ाएंगे, जो भी कुछ होगा। मगर एक तो अपने ऊपर हंसना सीखना चाहिए, और आप टारगेट बनेंगे तो वो टल सकता है कि वो आप टारगेट नहीं बनेंगे। क्या होता है कि यदि आप चिढ़ जाते हो तभी लोग आपको टारगेट करेंगे। समझो आपने चिढ़ना बंद ही कर दिया, आप चिढ़ते नहीं हो, तो फिर वो और कहीं जाके उसको टारगेट बनाएगा। या आपने सीधा बोल दिया कि देखो ऐसी मजाक मेरे ऊपर नहीं चलेगी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा ये मजाक, आप मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर ऐसी मजाक नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपको क्लियर कट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे और कड़क बोलेंगे, तो फिर लोग आपको टारगेट बनाना छोड़ देंगे। एक तो आपको क्लियर कट बात करनी पड़ेगी, सुनाना पड़ेगा उनको, और नहीं तो फिर गुस्सा करना या रिएक्ट करना या चिढ़ जाना वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि चिढ़ेंगे नहीं तो फिर लोग और कहीं अपना मोर्चा दूसरे की तरफ लेके जाएंगे। तो अपने ऊपर हंसना सीखो, चिढ़ना बंद करो, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना चालू करो यदि आपको कोई टारगेट बनाते हैं तो। ये छोटा सा चेंज हम हमारे में करते हैं तो काफी सारा झगड़ा, झंझट, चिढ़ना, अपसेट्स बहुत सारे कम हो जाएंगे। हमारा ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और उसमें चैटिंग, अपॉइंटमेंट्स, वीडियोस आपको मिल सकते हैं। सो जरूर आप ऐप डाउनलोड कर लो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।